दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। और आज हम बात करेंगे अल्मोक्स प्लस 500 कैप्सूल के बारे में, आपको जानकारी देंगे। और ये जो है दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से इसे बनाया गया है, एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन के सॉल्ट। ये दो जो है एंटीबायोटिक सॉल्ट हैं, और एमोक्सिसिलिन जो है आपने देखा होगा मोक्स 500 कैप्सूल आता, तो एमोक्सिसिलिन उसके अंदर होता, लेकिन इसके साथ में जो है क्लोक्सासिलिन का भी इस्तेमाल किया गया है, तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो ये जो अल्मोक्स प्लस कैप्सूल है, एल्केम इसको बनाती है, आप देख सकते हैं एल्केम की ब्रांडिंग है, और एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन इसका सॉल्ट नेम है। दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से इसे बनाया गया है। और दोस्तों एमोक्सिसिलिन की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, और एमोक्सिसिलिन जो है दोस्तों ये मैं दिखा देता हूँ आपको। एमोक्सिसिलिन जो है इसके अंदर 250 मिलीग्राम की मात्रा में, और क्लोक्सासिलिन जो है 250 यानी डबल, दोनों 250 मिलीग्राम की मात्रा में यानी 500 मिलीग्राम दोनों हो जाता है। तो दोनों एंटीबायोटिक हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एमोक्सिसिलिन के बारे में। तो एमोक्सिसिलिन का जो काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ये दवाओं के जो समूह हैं पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक से संबंधित ड्रग्स है। आपको बता दें यह दवा केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, जैसे टॉक्सिलिटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, गनोरिया और कान का संक्रमण। इसके अलावा नाक का संक्रमण, गले का संक्रमण और त्वचा या यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण जैसे बैक्टीरिया के कारण होने वाले कई प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल होता है। कई तरह के अगर शरीर पर जख्म वगैरह हो जाते हैं तो उनको भी सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जैसे आपने नज़ले, जुकाम, खांसी में तो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। कई तरह की दूसरी थाक दवाइयों के साथ में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नज़ला खांसी हो गया तो सिनारेस्ट वगैरह की टेबलेट वगैरह के साथ में इस्तेमाल होता है, और भी कई तरह की जो दूसरी दवाइयाँ हैं उनके साथ में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो एमोक्सिसिलिन के काम है। इसके अलावा जो एमोक्सिसिलिन है और भी कई तरह की परेशानियों के लिए जो है इस्तेमाल होता है। तो बात करेंगे जो है क्लोक्सासिलिन के बारे में। क्लोक्सासिलिन जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है, और ये भी दोस्तों खास तौर से जो मैंने बीमारियां गिनाई हैं, परेशानियां गिनाई हैं, खास तौर से जैसे नज़ले की पर समस्या है, खांसी की समस्या है यानी जीवाणुओं का जो संक्रमण है, तो क्लोक्सासिलिन भी इसी तरह की बीमारियों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों का जो सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये भी जो दोस्तों त्वचा में जीवाणु का संक्रमण, इसके अलावा स्टेफिलोकोकल संक्रमण का उपचार, बीटर रक्तलाई संक्रमण या न्यूमोकोकल संक्रमण के उपचार के लिए भी इसे जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो त्वचा में इसका जो है प्रयोग जो है जीवाणु का संक्रमण हो गया है, और इसके अलावा और भी कई तरह के संक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था इसके बारे में जानकारी, लेकिन बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर इसके मैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ तो मतली होना, उल्टी होना, और इसके अलावा पेट दर्द, गैस, दस्त का लगना, दुर्बलता और सामान्य कमजोरी हो सकती है। और इसके अलावा जो है इसके कुछ बड़े साइड इफ़ेक्ट भी, गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे गुर्दे और यकृत की परेशानी, गुर्दों की विफलता, ये कुछ घातक संक्रमण, घातक जो है साइड इफ़ेक्ट भी इसके हो सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग लीवर की बीमारियों से परेशान हैं, लीवर की कोई बीमारी है या किडनी की कोई बीमारी है, तो वो इसे या गर्भावस्था की स्थिति में इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस दवाई के अलावा भी किसी भी दवाई को आप बगैर डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा अल्मोक्स प्लस 500 कैप्सूल के बारे में। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।